कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के डीबीसी डैम में घूमने आए बक्सर बिहार में पदस्थापित प्रशिक्षु डीएसपी के सर्विस पिस्टल से शुक्रवार 3 बजे गोली चलने से एक साथी की मौत हो गई। आपको बता दें, प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष कुमार अपने दो दोस्त सौरभ कुमार और निखिल रंजन के साथ बक्सर से कोडरमा आए थे। वहीं स्थानीय कोडरमा निवासी एक दोस्त सूरज कुमार के साथ डीबीसी डैम घूमने के लिए गए हुए थे। यहां शुक्रवार करीब 3 बजे सभी डैम में नहा रहे थे और बारी बारी प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष कुमार का सर्विस पिस्टल लेकर सभी दोस्त फोटो भी खिंचवा रहे थे। इसी दौरान सौरभ कुमार के द्वारा सर्विस पिस्टल मृतक निखिल रंजन को देने के दौरान अचानक से गोली चल गई, जिसे वह बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष कुमार और सौरभ कुमार घायल दोस्त निखिल रंजन को लेकर सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचे, जहां चिकित्सकों के द्वारा निखिल रंजन को मृत घोषित कर दिया गया। तत्पश्चात प्रशिक्षु डीएसपी के द्वारा कोडरमा पुलिस से संपर्क किया गया और पूरी घटना की जानकारी कोडरमा पुलिस को दी गई, जिसके बाद से ही दोनों कोडरमा पुलिस की हिरासत में है। दोनों को कोडरमा थाने में रखा गया है। वह मृतक के शव को सुरक्षित रखा गया है और परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। वही घटना के बाद से ही कोडरमा निवासी सूरज कुमार फरार है, जिसकी तलाश कोडरमा पुलिस कर रही है। हम लोग को पता चला जब हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा है, डेड बॉडी लेकर के या कहिए कि जख्मी हालत में हॉस्पिटल आया, तो डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित किया गया है। लड़के का नाम है निखिल रंजन। ये लोग तीन लड़के वहाँ से डैम की ओर आए थे, जवाहर घाटी पुलिया के पहले ये लोग रुके थे। उसमें एक डीएसपी प्रोफेशनर भी हैं, जो अभी बक्सर में परिचवान डीएसपी हैं, जो पोस्टेड हैं बक्सर में बिहार। कैसे गोली आखिर चली, कैसे से? नहीं, इसका तो अभी जाँच हम लोग कर रहे हैं कि गोली कैसे चली है, कौन चलाया है, ये जाँच का विषय है। जाँच हम लोग कर रहे हैं। नहीं, लोग का अभी जो कहना है कि हम लोग घूमने के लिए आए हुए थे और एक लोकल लड़का भी था जिसको हम लोग खोज कर रहे हैं, अभी उसका भी पता नहीं चल पाया है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। सच्चाई अभी सामने नहीं आया है, अभी छानबीन में हम लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। रिवॉल्वर तो सर्विस रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर नहीं है, पिस्टल है, जिससे गोली चलने की बात आई है। उसको हम लोगों ने जब्त कर लिया है और उसके परिजन को हम लोग सूचना दे दिए हैं और वहाँ के विभाग को भी सूचना दे दिया गया है। प्रोफेशनल डीएसपी आशुतोष कुमार नाम है इनका, ये अभी तत्काल बक्सर में पोस्टेड है प्रशिक्षु डीएसपी के तौर पर। घटना के बाद अभी हम लोग यहीं पर दिखे हैं, अभी कोडरमा थाना में ही हैं, क्योंकि खुद आ गए थे थाने पर। जब जख्मी को लेकर के हॉस्पिटल इलाज के लिए आए, तो इलाज में वहाँ ब्रॉड डेड जब डॉक्टर घोषित कर दिया कि मर चुका है लड़का, तो उसके बाद ही अपने साथी के साथ थाने पर खबर करने के लिए आ गया। हम लोग जांच में लगे हुए हैं, सारे टीम हम लोग के लगी हुई है, उसमें कोडरमा थाना लगा हुआ है, हमारे एसडीपीओ साहब लगे हुए हैं। वी टाइम न्यूज़ के लिए कोडरमा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।